पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर की मस्जिद में गजवाए हिंद के पोस्टर लगाने वालों और पटाखे चलाने से रोकने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धारा लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे फतवे और पोस्टर शहर में कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने भी इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में गजवाए हिंद के पोस्टर पर हाई वोल्टेज सियासत। कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। उषा ठाकुर की मांग, ऐसे लोगों पर लगना चाहिए राष्ट्रद्रोह की धारा। सांसद शंकर लालवानी बोले, जो शहर की फिजा खराब करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। इंदौर में दीपावली पर पटाखे चलाने की बात पर दो पक्षों में पत्थरबाजी की घटना और उसके बाद कागदीपुरा के मस्जिद में गजवाए हिंद के पोस्टर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। कल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दंगाइयों को उल्टा लटका कर शहर में घुमाने की बात कही थी। वहीं अब पूर्व कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने भी तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि शहर में ऐसे फतवे और पोस्टर कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए, ये राष्ट्रद्रोही ताकतों का पहचान है कि यदि वो स्वतंत्र भारत में गजबाए हिंद जैसे पोस्टर लगा रहे हैं तो आज़ादी के आज 78वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए। ऐसे फतवे ये सशक्त भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। रही फटाका न फोड़ने देने की बात, तो ये देश संविधान से चलता है। संविधान में सभी के मौलिक अधिकार कर्तव्य सुरक्षित और संरक्षित है। दीपावली मनाना यदि हमारा अधिकार है, पटाखे चलाना यदि हमारा अधिकार है, तो किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो उसको फोड़ने से मना करने की बात कहे। इतना ही नहीं, उषा ठाकुर ने कहा कि दिवाली मनाना हमारा अधिकार है, पटाखे फोड़ने से रोकने का किसी को हक नहीं है, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह की धारा लगाना चाहिए। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भी कहा कि इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए जिससे शहर का वातावरण खराब हो। शांति जो बिगाड़ेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। ये कुछ जो अशांति चाहते हैं उनके सुनियोजित षड्यंत्र होते हैं, पर ऐसे षड्यंत्र को नेस्त नाबूद करने में शासन प्रशासन सब सक्रियता और सजगता से डटे। देखिए, वास्तव में सब राष्ट्रद्रोहिता के परिचायक हैं और राष्ट्रद्रोही जो संविधान की धाराएं हैं वो उन पर लगनी चाहिए, उन पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। देखिए, ये निरंतर चल तो रहा है, पर शासन प्रशासन के साथ देश के प्रत्येक नागरिक को सजग और सतर्क रहना होगा, तभी हम ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों से निपट पाएंगे। निश्चित रूप से जांच तो होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ नेस्त नाबूद करने में ऐसी व्यवस्थाओं को लगे हुए हैं और मुझे लगता है शीघ्र ही श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। देखिए, दुखद है और प्रशासन ने कार्रवाई की है और पोस्टर निकाला है। इस प्रकार की बातें होना नहीं चाहिए और मुझे लगता है कि प्रशासन इस पर ध्यान भी देगा और जो पक्ष हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की कोई बातें नहीं हो जिससे शहर का वातावरण खराब हो। इस तरह के जो तत्व हैं, क्या कार्रवाई आप? देखिए, प्रशासन कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों ही घटनाओं को लेकर बीजेपी नेता सख्त तेवर अख्तियार किए हुए हैं। वहीं प्रशासन भी ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।